हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारी बेटी एंड मी। आज मैं आपके लिए केसर बादाम मलाई कुल्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ठंडी ठंडी मीठी घर की बनी बादाम और मलाई से तैयार की हुई टेस्टी यम्मी कुल्फी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही इजी है और जो बहुत ही यम्मी होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी होगी हमारे लिए। तो आइए इसका प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि इसे किस किस इंग्रेडिएंट्स के साथ हम प्रिपेयर करेंगे और इसको किस मेथड से हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कुल्फी बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले लेना होगा वो है मिल्क। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क लिया है 1.5 किलो और इसको लो फ्लेम पे रख दिया है बॉइलिंग के लिए। इसकी क्वांटिटी जब हाफ हो जाएगी तब हम इसको ऑफ कर देंगे। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो बताती हूँ। ये है 15 से 20 बादाम का पाउडर, फिर कुछ बादाम को मैंने काट के भी रखा है बारीक, 10 से 15 बादाम मैंने बारीक काटे हैं। अब कब कब डालना है इन चीज़ों को मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर है ये। फिर है केसर बादाम कॉम्प्लेन, जी हाँ ये भी इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं अपनी कुल्फी में। फिर ये है 5 से 6 इलायची का पाउडर और नेक्स्ट है चिरौंजी। देन नेक्स्ट है येलो फूड कलर, जो कि कुल्फी के रंग को बड़ा ही खूबसूरत बना देगा। लो फ्लेम पे अब मिल्क को हमें चलाते रहना है और 1 by 1 इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को हम डालेंगे। कब कब कैसे डालना है मैं आपको वीडियो में आगे बताती रहूंगी। तो सबसे फर्स्ट जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो है बादाम का पाउडर। यहाँ पर 20 से 25 बादाम को मैंने ग्राइंड कर लिया है छिलकों समेत। आप चाहें तो छिलका हटाकर भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ छिलकों समेत किया है। मुझे अच्छा लगता है इसका कलर। इसको दूध में डालने से दूध में बहुत जल्दी गाढ़ापन आ जाएगा और फ्लेवर भी डेवलप हो जाएगा, जो कुल्फी के स्वाद को दुगना कर देगा। साथ साथ में हम मिल्क को चलाते भी रहेंगे। अब जो नेक्स्ट में मिल्क में ऐड करूंगी वो है इलायची पाउडर, कुल्फी की फ्रेंड इलायची। फ्रेंड इसलिए कहा दोस्तों मैंने, क्योंकि हम चाहे कितनी भी चीजें डाल लें कुल्फी बनाते हुए, अगर हमने इलायची नहीं डाली तो कुल्फी का असली मजा और टेस्ट आ ही नहीं पाएगा। और पहले ही मिल्क में से डाल देने से बॉईल होते होते इसका काफी अच्छा स्वाद और खुशबू इसमें घुल मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इसमें डाल रही हूँ वो है कॉम्प्लेन, केसर बादाम कॉम्प्लेन। मैंने पहले जो अपना बादाम मिल्क का वीडियो बनाया था उसमें आपके साथ शेयर किया था कि मैं इसे ऑलमोस्ट मिल्क रेसिपीज में शामिल करती हूँ, जैसे खीर, रबड़ी, कस्टर्ड, मिल्क शेक, यहाँ तक कि श्रीखंड में भी मैं इसको डालती हूँ, क्योंकि ये केसर की कमी को पूरा कर देता है और स्वाद और कलर अच्छा आ जाता है हमारी बनाई हुई चीज़ का। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें घुल मिल गया है और बिना कलर डाले ही इस मिल्क का कलर कितना सुंदर हो गया है, दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको। अभी हमने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया है, फिर भी येलोइश कलर आ गया है कॉम्प्लेन के डालने की वजह से। अब ये पक चुकी हैं सारी चीज़ें इसमें, तो मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। 2 चमचे चीनी ली है मैंने यहाँ पर, और चीनी डालने के बाद भी हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। कुल्फी बनाने का पूरा प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही करेंगे, जिससे इसमें डाली गई सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं और धीरे धीरे बॉईल होते हुए मिल्क की क्वांटिटी भी हाफ हो जाए। लो फ्लेम पर बॉईल करते हुए इस पर बार बार मलाई भी आ जाती है, क्योंकि मैंने जो मिल्क लिया है वो फुल क्रीम मिल्क है। अब जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है येलो फूड कलर। पाउडर फॉर्म में था कलर मेरे पास, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड करके फिर इसमें कुल्फी का जो हमने ये तैयार किया है मिल्क उसमें डाला है। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, येलोइश कलर का हो गया है ये। अब जो लास्ट हम इसमें डालेंगे वो है वनीला कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड को लिया है। कस्टर्ड के अंदर मैंने थोड़े से अमाउंट में मिल्क को ऐड कर लिया था, क्योंकि पाउडर फॉर्म में डालने से इसके अंदर गुठले पड़ने का डर रहता है। धीरे धीरे हम इस कस्टर्ड को इसमें ऐड करके फिर इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए चलाएंगे, जिससे इसके गुठले ना पड़े और ये तले पर भी ना चिपके। इससे कस्टर्ड से मिल्क के अंदर बहुत जल्दी गाढ़ापन आता है और कलर भी बहुत सुंदर हो जाता है। हालांकि हमने कलर इसमें पहले ऐड कर चुके हैं, मैंने इसमें किसी भी तरह का एसेंस यूज़ में नहीं लिया है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा जब ये अच्छे से हो जाएगा, ये ठंडा हो चुका है, तो अब इसको मैं मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसका टेक्स्चर एकदम क्रीमी हो जाए और काफ़ी स्मूथनेस आ जाए हमारी कुल्फी के अंदर। ब्लेंड करने से पहले इसमें मैं 1 बोल मलाई को भी ऐड करूँगी, जिससे मलाई कुल्फी काफ़ी क्रीमी और सॉफ्ट बनेगी। इस मिक्सचर को
1 to 2 मिनट तक अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे, जिससे इसमें अच्छे से क्रीमीनेस और स्मूथनेस आ जाए। अब इस मिक्सचर को आइस ट्रे में मैं शिफ्ट कर दूंगी। ट्रे में मैं पहले कुछ बादाम के टुकड़ों को डाल दूंगी और कुछ मिक्सचर डालने के बाद भी डालूंगी, जिससे वो कुल्फी के बीच बीच में आएंगे तो बड़े ही टेस्टी लगेंगे। ये बचे हुए बादाम के टुकड़े मैंने पूरी कुल्फी में डाल दिए हैं और अब इसी के ऊपर मैं चिरौंजी को भी ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से कुल्फी कितनी ब्यूटीफुल हो गई है और हेल्दी भी। अब हमारे कुल्फी बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस बैटर को सेट होने के लिए हम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 6 से 7 घंटे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स और हमारी कुल्फी एकदम बनकर तैयार है। ये कितनी ब्यूटीफुल और यमी दिख रही है फ्रेंड्स। इसमें मलाई का भी कलर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी आइसक्रीम कुल्फी सभी इसी बॉक्स में प्रिपेयर करती हूँ, जमाती हूँ। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो आप उसके अंदर भी अपनी कुल्फी को जमा सकते हैं। अब ये सर्विंग के लिए एकदम रेडी है तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ। गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँगी। कुल्फी तो एकदम रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए, बट हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और मेरा प्रोसेस भी समझ आया होगा। आप भी प्लीज़ इस तरह से अप्लाई कीजिए, अपने घर में बनाइए कुल्फी और अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को खिलाइए। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, धन्यवाद। कुल्फी कुल्फी कैसी बनी है? बहुत टेस्टी। अच्छी लगी? बहुत अच्छी। तुम्हें देने में थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। नेवर माइंड, बहुत मगर ये बहुत ज्यादा अच्छी है। यम्मी लगी? थैंक यू। आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, इस यम्मी सी आइसक्रीम को। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय।